आयसीएएपी वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान आणि कृषी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार यांच्या विद्यमाने येत्या 5 आणि 6 नोव्हेंबर रोजी 10व्या एशिया पॅसिफिक संशोधन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारत देशाची विकसित देशासारखी भरभराट होत असली तरी आजही आपला देश कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. देशभरामध्ये 60%+ अधिक लोकसंख्या शेती आणि शेतीशी निगडीत घटकांमध्ये काम करते. कृषी क्षेत्रामध्ये सहकारी बँक महत्वाचे कार्य करते. वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थांच्या वतीने कृषीगत बँकिंगबाबत प्रशिक्षण आणि संशोधन करण्यात येते. येत्या 5 आणि 6 नोव्हेंबर रोजी भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय, इंटरनॅशनल कॉपरेटिव्ह अलायन्स एशिया पॅसिफिक आणि वैकुंठ मेहता संस्थांच्या वतीने 10वी एशिया पॅसिफिक संशोधन परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थांच्या आवारात ही परिषद भरवण्यात येणार असून सहकारी संस्थांचे सुशासन या विषयावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा करण्यात येणार आहे. हमारा वैकुंठ मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पुणे में जो अंतर्राष्ट्रीय टॉप लेवल इंस्टीट्यूट है उसमें नवंबर 5 तारीख और 6 तारीख एक अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव बारे में एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस एशिया पैसिफिक का थ्रू है और उस पर स्पॉन्सरशिप भी नाबार्ड का वो स्पॉन्सरशिप मिला हुआ है और वैकुंठ मेहता वामनिकन लीड रोल लिया हुआ है. एग्रीकल्चर तो बहुत बड़ी मैंने हमारा इंडिया में तो 60-70% एग्रीकल्चर है और उसमें कोऑपरेटिव जुड़ा हुआ है क्योंकि एक तो उनका मार्केटिंग कोऑपरेटिव होता है जो ट्राइबल स्पेशली वो कोऑपरेटिव मार्केट लार्ज एरिया मल्टीपर्पज सोसाइटी था ट्राइफेड था और इवन नेफेड था ये सब कोऑपरेटिव संस्थान है जो मार्केटिंग प्रोड्यूस करते हैं एग्रीकल्चर. सेकेंडली आजकल आपको जो खाद वितरण जैसे फर्टिलाइजर वितरण वो इफको क्रिपको करते हैं उसका कोऑपरेटिव मॉडल में वितरण करते हैं तो इनपुट्स है उनका आउटपुट सारे कोऑपरेटिव में मिला हुआ है. जैसा एक डेयरी फार्मर हुआ उसका मिल्क प्रोड्यूस डेयरी फार्मर करता है उसको कैसे मार्केटिंग करते हैं जैसा अमूल आपने सुना होगा ब्रांड बहुत ही टॉप ब्रांड है सारे स्टेट में महाराष्ट्र में महानंद है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेवामृत हुआ गोकुल हुआ गोवर्धन हुआ काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रांड है तो ऑब्वियसली कोऑपरेटिव ऑलवेज किसानों के साथ जुड़ा हुआ है.